हेलो एवरीवन एवरी आई एम बैक विद लेक्चर नंबर 49 ऑन स्मार्ट रीड बुक ऐप आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्मार्ट रीड डिल नंबर फोर्टी में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज प्रेसिंग क्या रेफरेंस लिखा है सेवरल प्रेसिंग इश्यूज कंटिन्यू टू लूम लार्ज हम लूम लार्ज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऐसे ही वर्ड्स आपके सामने ऐसे फ्रेजेस आपके सामने अब बार बार आने लगेंगे मीनिंग हम बात कर रहे हैं प्रेसिंग की मीनिंग क्या है अर्जेंट नीडिंग इमिडिएट अटेंशन कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा इशू पर आपकी नज़र तुरंत जानी चाहिए क्योंकि वो अर्जेंट है उसको आपको रिजोल्व करना है प्रेसिंग इशूज़ होते हैं हमारे सा, हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स हैं इंडिया फेसिस प्रेसिंग नीड फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म स्पेशली इन रूरल एरियाज वेर एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज रिमेन्स लिमिटेड एंड इनक्यूट हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं रूरल एरियाज़ में प्रॉपर हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो एक प्रेसिंग नीड है कि इसको एड्रेस किया जाए तुरंत क्योंकि बहुत सारी जान चली जाती हैं विदाउट इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस इसीलिए प्रेसिंग नीड है यानी इमीडिएट अर्जेंट नीड है कि इस चीज को एड्रेस किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दूसरा एग्जांपल द प्रेसिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया हैज लेड टू सीवियर ड्राउट्स इन सेवरल स्टेट्स प्रॉमटिंग द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इमरजेंसी मेजर्स अगेन बहुत सारे Uh, बहुत सारे स्टेट्स हैं बहुत सारी जगह हैं प्लेसिस हैं जहाँ पे वाटर uh, क्राइसिस देखने को मिल रहा है प्रेसिंग वाटर क्राइसिस यानी अर्जेंट वाटर क्राइसिस जिस कारण से आगे क्या हुआ ड्राउट्स यानी कि अकाल आ गया इन सेवरल स्टेट्स प्रोमटिंग द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इमरजेंसी मेजर्स तो गवर्नमेंट को एक तरीके से ये प्रोम्ट कर रहे हैं ये जो हुआ ये इवेंट्स uh, जो हुई गवर्नमेंट को प्रोम्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए और इसके लिए कुछ कीजिए ये आपके सामने एग्जाम्पल्स थे प्रेसिंग के हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेडम्स अर्जेंट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कैटेस्ट्रॉफी कैटेस्ट्रॉफी तबाही लाने वाला तो कैटेस्ट्रॉफिक यहाँ पे तबाही लेने वाला यहाँ पे बेसिकली ये नाउन है हमें होना चाहिए था यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था कैटेस्ट्रॉफिक जो तबाही लाए उसके लिए प्रेसिंग एंटेनिम्स की बात करें तो माइनर इनसिग्निफिकेंट इतनी महत्वता उसकी नहीं है इतना महत्व नहीं है उसके लिए ट्रीवियल रिन्यूअल ये इसके एंटेनिम्स हो सकते हैं आ, बच्चों ये आई बिलीव गलत है रिन्यूअल 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 नहीं नहीं होगा renewal क्यों होगा क्यों का कोई context नहीं है यहाँ पे ऊपर के तीन हमारे हैं ये आई बिलीव कल के लेक्चर का यहाँ पे रिपीट हो गया है ठीक है तो रिन्यूअल को आप यहाँ से हटा सकते हैं चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ईडीएम मेक एंड मीट क्या लिखा है मेनी हाउस होल्ड स्टिल स्ट्रगल टू मेक एंड मीनिंग टू मैनेज टू लिव ऑन अ स्मॉल इनकम टू हैव इनफ मनी टू कवर एक्सपेंसिस यानी बस काम चल रहा है आपका गुजारा चल रहा है आपका उसको बोलते हैं मेक एंड्स मीट टू मैनेज टू लिव ऑन अ स्मॉल स्मॉल इनकम यानी इतनी इनकम है कि बस आप मैनेज कर पा रहे हैं आप अपने वॉन्ट्स पे और लग्जरी पे आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, केवल आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं ठीक है सो मेक एंड्स मीट का मतलब हो गया गुजारा चलना ये थोड़ी सी बुला इमेज पर यहाँ पर दिख रहा है कि ये आ, कपल है ये बच्चा है और कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं यानी ये देख रहे हैं यार घर का खर्च इस महीने कैसे चलेगा हम कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे यानी जब ऐसा काम कर रहे हैं इट मीन्स कि दे आर जस्ट मेकिंग द एंड्स मीट दे आर जस्ट मेकिंग द एंड्स मीट उससे ऊपर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं ठीक है एग्जाम्पल्स विथ फ्लक्चुएटिंग क्रॉप प्राइसिज एंड राइजिंग इनपुट कॉस्ट मैनी फार्मर्स इन इंडिया स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट ऑफ इन रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड लोन्स यानी जो क्रॉप प्राइसेज हैं कितनी फ्लक्चुएट होती हैं और मानसून uh, के कारण भी जब फसल खराब हो जाती है फार्मर्स की तो फिर उनको Uh, कितना डिफिकल्टी होता है अपनी आजीविका चलाना सो दे स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट और इसीलिए फिर उन्हें जाना पड़ता है कहा है गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऊपर और लोन्स के लिए लोन्स लेते हैं और फिर uh, आगे जब लोन्स नहीं चुका पाते फार्मर्स देन फिर आपने सुना होगा कि फार्मर्स सुसाइड केस कितने ज़्यादा हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं तो ये आगे uh, उसका एक तरीके से रिपोर्शंस हैं कॉन्सिक्वेंस हैं लोन्स लेने के ठीक है दूसरा एग्जांपल अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स ऑफन वर्क लॉन्ग आवर्स इन लो पेइंग जॉब्स टू मेक एंड्स मीट सेंडिंग मोस्ट ऑफ देर अर्निंग्स बैक टू देर फैमिलीज़ इन रूरल एरियाज जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार के वर्कर्स महाराष्ट्र में जाके जो काम कर रहे हैं या कहीं पर भी जाके दूसरे स्टेट्स में गुजरात वगैरह में काम कर रहे हैं बेचारे बहुत मुश्किल से अपना खर्चा चला रहे हैं दे रियली स्ट्रगल मेक देयर एंडस मीट और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है फिर वो बचे हुए इनकम भी अपने घर पर अपने गाँव में पहुँचा देते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं तो दे फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू मेक एंड्स मीट गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए

टेंडिंग टू कॉज डिसअग्रीमेंट और हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल लोगों के बीच में कटुता पैदा करना या डिसएग्रीमेंट पैदा करना भेदभाव पैदा करना उसको बोलते हैं डिवाइसिव डिवाइड एंड रूल यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको ये देखिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं लोग अलग अलग हैं इनके बीच में खाई बना दी है तुम अलग हो मैं अलग हूँ डिसअग्रीमेंट पैदा कर दिया हॉस्टिलिटी पैदा कर दी कटुता पैदा कर दी इसको बोलते हैं डिवाइसिव सम सोशल पॉलिसीज इन इंडिया सच एज रिजर्वेशन एंड कोटाज आर सीन एज डिड बाई सर्टन सेगमेंट्स ऑफ दीप पॉपुलेशन लीडिंग टू डिबेट्स ओवर फेयरनेस एंड इक्वालिटी रिजर्वेशन के लिए जब आज बात करें आज के डेट में भी अलग अलग ओपिनियंस हैं कुछ लोग फेवर में बोलते हैं कुछ लोग अगेंस्ट में बोलते हैं तो ये बेसिकली रिजर्वेशन क्या क्रिएट करता है डिवाइड क्रिएट करता है इस कॉन्टेक्स में ठीक दूसरा एग्जाम्पल द डिव मीडिया कवरेज ऑफ सर्टन इवेंट्स इन इंडिया कैन Exacerbate communal tensions as biased reporting often fuels misinformation and prejudice. हमारे देश में पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जो हमारा मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया टी वी चैनल्स वाला वो कुछ खबरों को ऐसे प्रजेंट करता है सर्टिन कम्यूनिटी के लिए इतना मतलब जजमेंटल होके या दिमाग में प्रजटिस रख के आप बोलते हो कि पूरा ना सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है सामने वाले का एंड जो जनता सुन रही है वो दो भागों में बट जाती है ठीक हिंदू मुस्लिम तुम मुस्लिम हो मैं हिंदू हूं मैं मुस्लिम हूं तुम हिंदू हो ये जो डिवाइड क्रिएट कर रहा है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया हमने देखा है पिछले कुछ सालों में काफी किया है इसने सो so, ये कैसा है डिवाइसिव है यानी डिवाइड करने वाला अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की कंट्रोवर्शियल जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए कंटेंशियस जिससे लड़ाई झगड़े पैदा हो पोलराइजिंग दो धड़ में बट जाए पोलराइज कर देना तुम अलग मैं अलग एंट्रेंस की बात करते हैं यूनिफाइंग जोड़ने वाला हार्मोनियस सौहार्द पैदा करने वाला तो ये इसके एंट्रेंस हो सकते हैं चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज रेट्रिक रेफरेंस क्या लिखा है डिवाइसिव रेट्रिक दैट नॉट ट्रांसलेट इन साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ओके मीनिंग क्या लिखा है लैंग्वेज डिजाइन टू हैव अ परसुएसिव और इम्प्रेसिव इफेक्ट बट ऑफिन लैकिंग सिंसियरिटी और मीनिंगफुल कॉन्टेंट यानी ऐसी भाषा जो सुनने में बहुत परसुएसिव लगे यार लगे लगेगा क्या वह क्या बात बोली है इंप्रेसिव जबरदस्त बात बोलिए पर ऑफन लैकिंग सिंसियरिटी पर उसमें सिंसियरिटी ना हो मीनिंगफुल कॉन्टेंट ना हो तो हम बोलेंगे वो कैसा है रेट्रिक हमारे पॉलिटिशियंस ये बहुत यूज करते हैं मोदी जी का एक जब पहली बार मोदी जी आए थे आ, 2014 में तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था भाइयों बहनों अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो सारे जो गरीब लोग हैं हम विदेश से पैसा लाएंगे जो यहाँ से आ, लोग ले आकर स्विट्जरलैंड के अकाउंट में से अकाउंट्स में जमा कर दिया है वहां से हम पैसा लाएंगे और चौदह चौदह लाख पंद्रह पंद्रह लाख रुपए आपके अकाउंट्स में हम जमा कर देंगे ठीक तो ये क्या है सुनने में कितना अच्छा लग रहा hai, तो, है कितना लियोरिंग लग रहा है अरे वाह मज़ा आ जाएगा पंद्रह लाख रुपये आएंगे सीधे दस लाख जो भी था जो भी अमाउंट था आई एम नॉट श्योर कितना अमाउंट था तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा एक आ, है एकदम से आपको आते हैं अरे वाह पंद्रह लाख रुपये हमारे प्रधानमंत्री जी ले आएंगे नेता जी ले आएंगे बट एक्चुअली वो कैसा है लैकिंग सिंसियरिटी बस ऐसे ही बोल दिया Uh, बाद में बोला भी था आई बिलीव अमित शाह जी ने जुमला है जुमला था ये तो तो ये क्या है बेसिकली रेट्रिक है आ? चीन की आंख में आँख डाल के बात करते हैं हम पाकिस्तान को ऐसा पाकिस्तान की स्थिति कर देंगे ये सब क्या है ये रेट्रिक ड्रे, है दूसरी तरफ और भी पार्टी लोग के लोग हैं अरविंद केजरीवाल जी भी ऐसा करते हैं हम दिल्ली को क्या बना देंगे न्यूयॉर्क बना देंगे लंदन बना देंगे जब बारिश होती है तो देखिए हमारे दिल्ली का जो लंदन है वो बेसिकली कैसा हो जाता है पूरे शहर में पानी पानी भर जाता है तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे रेट्रिक बहुत यूज करते हैं लोगों को लेर uh, करने के लिए कि वो उनके फेवर में वोट दें ठीक है सो रेट्रिक आपको समझ में आया वो आई होप एग्जाम्पल ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिशियन रेसोर्ट रिजॉर्ट टू रेट्रिक टू अपील टू वोटर्स इमोशंस प्रोमिसंग स्वीपिंग रिफॉर्म्स विदाउट कॉन्क्रीट प्लान्स प्रॉमिसिंग स्वीपिंग रिफॉर्म्स यानी सब बेहतर भैत, बेहतर हो जाएगा सब एकदम बदल जाएगा आगों से आगे के सामने पूरी तस्वीर बदल जाएगी विदाउट कॉन्क्रीट प्लान और प्लान नहीं होता उनके पास कुछ भी आप उनसे प्लान पूछे तो प्लान कुछ भी नहीं है बस स्टेटमेंट देने हैं ताकि लोगों को ल्योर कर सके अपने प्रति है ना अपनी पार्टी के प्रति ठीक है चलिए वो करते हैं ऑरिटरी बोलने में दक्ष डिस्कोर्स भाषण प्रोपगेंडा प्रोपगेंडा यानी एक एक उनके दिमाग में एक मोटिव है कि ये हमें सर्व करना है आगे Substance, दूसरी तरफ इसके क्या होंगे जिसमें बात में वजन हो substance. अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात में वजन हुआ करता था, substance. नितिन गडकरी तो कुछ हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो ये फॉलो करते हैं और कुछ हैं जो ये फॉलो करते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि, कि किसके लिए आपको जाना है फार रीचिंग नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है दूरगामी हिंदी में वर्ड होता है दूरगामी यानी दूर तक का इफेक्ट पड़ेगा रेफरेंस इट्स इम्पैक्ट वॉज फार रीचिंग एंड ऑफन नेगेटिव और ये अब मीनिंग चेक करें हैविंग अ वाइड स्प्रेड और कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट यानी जो इसका इफेक्ट है वो वाइड स्प्रेड है बहुत दूर तक हा? उसका जो इफेक्ट है वो काफी दूर तक पड़ेगा उसको बोलते हैं फार रीचिंग कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तरीके से एग्जाम्पल्स द डिमिनीटाइजेशन पॉलिसी ऑफ टू ऑन इंडियाज इकोनॉमी अफेक्टिंग स्मॉल businesses, डेली वेज वर्कर्स एंड रूरल पॉपुलेशन जब डिमोनिटाइजेशन हुआ उस समय से अब तक बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो खड़े नहीं हो पाए दोबारा बहुत सारी फैक्ट्रीज उस समय बंद हो गई जो डेली के कैश फ्लो पर डिपेंड कर रही थीं वो बंद हुई ऐसे बंद हुईं कि चार महीने बंद होने तो के बाद दोबारा कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाई सो डिमोनिटाइजेशन ने उसके जो इफेक्ट थे वो कैसे थे फार रीचिंग यानी अब भी प्रॉब्लम्स बनी की हुई हैं उस उस पर्टिकुलर सेक्टर में जिस सेक्टर में ये फैक्ट्रीज बंद हुई एग्जाम्पल और हमारे सामने द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी एम्स टू ब्रिंग फार रीचिंग चेंजेस टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग करिकुलम अपडेट्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लास रूम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिजाइन की गई दो हजार बीस में वो किस एम के साथ डिजाइन की गई कि फार रीचिंग इफेक्ट पड़ेंगे यानी अभी अगर हम अप्लाई करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं दूरगामी परिणाम मिलेंगे हमें कैसे मिलेंगे क्या उन्होंने सोचा कि कैरिकुलम अपडेट होगा जो रॉट लर्निंग वाला करिकुलम है उसको हटा के लर्निंग वाला करिकुलम यानी प्रैक्टिकल लर्निंग वाला प्रैक्टिकल अप्रोच वाला और रैशनल थिंकिंग वाला करिकुलम लाने की बात की गई एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दिया गया तो ये अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो फार रीचिंग होंगे यानी आने वाली जनरेशन को इसका बहुत फायदा होने वाला है चलिए बात करते हैं सिलिम्स की एक्सटेंसिव बहुत दूर तक प्रोफाउंड बहुत गहराई में सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट एंड एंटेम्स की बात करें तो लिमिटेड लोकलाइज्ड नैरो बहुत छोटा ठीक चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज रेस्पाइट रेफरेंस क्या लिखा है जॉब सिक्योरिटी सम रेस्पाइट फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज ओके मीनिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट थोड़े समय का रेस्ट थोड़े समय की आपको शांति मिल जाए उसको हम बोलते हैं रेस्पाइट शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ ठीक रेस्पाइट आप ई एम आई पे कर रहे थे आ, हुआ तो आपकी सैलरी बंद हो गई मान लीजिए आपकी कंपनी ने सैलरी देना बंद कर दिया तो कोर्ट ने इंटरवीन uh, किया और बोला कि आपको तीन महीने की मोहलत मिल जाएगी तो ये थोड़े समय का रेस्पाइट था ठीक है अब ये देखिए लिटरल में फिजिकल कॉन्टेक्स में ये कोई हाइकिंग का ग्रुप है ऊपर जा रहे हैं आई बिलीव बाढ़ पे और बीच में रिलैक्स कर रहे हैं थोड़ी समय के लिए तो ये क्या कर रहे हैं रेस्पाइट रेस्पाइट कर रहे हैं सो so दैट इनको आराम मिल जाए रिलीफ या ब्रेक एंटेम्स की बात करें तो कंटिन्यूएशन हार्डशिप डिफिकल्टी ये तीनों इसके एंटेनिम्स हो सकते हैं चलिए नेक्स्ट वर्ड इज जंक्शर जंक्शर रेफरेंस क्या लिखा है इंडिया स्टैंड एट ए क्रूशल जंक्शर ओके मीनिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अ क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट महत्वपूर्ण पड़ाव पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अ क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में हमारी जिंदगी में अट्ठारह साल उन्नीस साल की जो एज होती है वो एक क्रूशल जंक्शर होता है जहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि भाई करियर किस डोमेन में किस फील्ड में मुझे बनाना है क्योंकि वहाँ जो आप डिसाइड करते हो वो उसके फार रीचिंग इफेक्ट होते हैं ठीक है जो आप डिसाइड करते हो अपने लिए अट्ठारह से 20 साल हो गई उम्र भी बाईस साल हो गई जो भी आप उस समय कर रहे होते हैं उसके फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं चलिए एट दिस क्रिटिकल जंक्शर पोस्ट पैंडमिक इंडिया मस्ट फोकस ऑन रिवाइविंग इट्स इकोमी थ्रू टारगेटेड स्टिमुलस पैकेजेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्रूशल जंक्शर यानी आज के समय में पैंडमिक के बाद इंडिया को फोकस करना चाहिए अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कैसे स्टिमुलस पैकेजेस दें और बढ़ावा दें रोजगार को और जो ऑंटरप्रीनरशिप है उसको बढ़ावा दे इस तरीके से वो वापस से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं जंक्चर आपको समझ में आया क्रूशल स्टेज या क्रूशल पॉइंट ऑफ टाइम टर्निंग पॉइंट मोमेंट क्रॉस रोड चौराहा जहां पे आपको समझ में न आया कि क्या डिसाइड करना है वो एक क्रूशल जंक्शन होता है सही रास्ता पकड़ना ठीक है एंटेनिम्स की बात करें तो टेगनेशन रुक जाना इन एक्शन कोई काम नहीं हो रहा है वहां पे रूटीन जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है सो ये इसके एंटेम्स हो सकते हैं नेक्स्ट वर्ड इज प्रेगमेटिक रेफरेंस क्या लिखा है reflects a call for pragmatic policies. Okay, meaning dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical considerations. उसको हम बोलते हैं pragmatic. यानी आप व्यवहारिक हैं, idealistic नहीं हैं. अब सोचिए ऐसे आप अपनी बहन के साथ रात में कहीं जा रहे हैं बाइक पे, and आपको दिखे कोई certain road है वहाँ पे बहुत सारे holey guns खड़े हुए हैं, दारू पी रहे हैं, and uh, किसी उनमें से किसी ने आपकी बहन के ऊपर कोई आ, कमेंट पास कर दी अब आप सोचिए आप क्या मान लीजिए वो छ सात लोग हैं और मतलब उनके पास आपको दिख रहा है कि उनके पास कुछ वेपन्स भी हैं कुछ हो सकता है हो बट छह सात लोग हैं और आप अकेले हैं सो so, आइडियलिस्टिक सिनेरियो क्या है जो मूवीज में दिखाया जाता है कि आप क्या बन जाएंगे सनी देओल बन जाएंगे अजय जा देवगन बन जाएंगे और लड़ने लग जाएंगे उनसे ठीक और प्रागमेटिक अप्रोच क्या है कि आपको वहाँ से निकलना है आपकी बहन आपके साथ में है और आपको भी हार्म हो सकता है आपको वहाँ से निकलना है आप एक काम ये कर सकते हैं कि थोड़ी दूर जाके जब आप वहाँ से निकल आए तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे सर्टन रोड पर इस जगह पे होलीगंस खड़े हुए हैं गुंडे बदमाश लग रहे हैं मुझे आप कुछ एक्शन लीजिए आप ये कर सकते हैं पर वहाँ पर आप हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो वो प्रागमेटिक अप्रोच नहीं है वो व्यवहारिक अप्रोच नहीं है ठीक है तो प्रागमेटिक मतलब जो

पहले क्या था अप्रोच वो सोच रहे थे कि हम दो या तीन लोग मिलकर कर लेंगे लेकिन जब उन्हें लगा कि यार डेडलाइन मीट करनी है तो प्रागमेटिक अप्रोच क्या होगी या बुद्धि क्या बोलेगी विवेक क्या बोलेगा कि आप बांट दो काम को छोटे छोटे भागों में तो उससे काम हो जाएगा प्रैगमेटिक अप्रोच ही मेड अ प्रागमेटिक डिसीजन टू सेव अ पोर्शन ऑफ हिज सैलरी ईच मंथ अंडरस्टैंडिंग द इमोर्टेंस ऑफ हैविंग एन इमरजेंसी फंड परिस्थिति कभी भी खराब हो सकती है पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है तो जो व्यक्ति सैलरी अपनी हर महीने की कुछ अमाउंट बचा के सेव कर रहा है म्यूचुअल फंड में डाल रहा है या

फोस्टर का टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग टिपिकली समथिंग डिजायरेबल एनकरेज करना बढ़ावा देना किसी के डेवलपमेंट का उसको हम बोलते हैं फोस्टर करना बढ़ावा देना और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में या नॉर्मल कॉन्टेक्स में इसका मतलब होता है पालन पोषण करना बच्चों को उनके पेरेंट्स पोस्टर करते हैं देखिए जो इमेज है छोटे बच्चों को पेरेंट्स फोस्टर करते हैं तब तक वो Uh, अपने पैरों पर पे नहीं खड़े हो जाते ऑब्वियसली पेरेंट्स ही संभालते हैं उनको तो फोस्टर करते हैं बट फोस्टर का पैसिटी कॉन्टेक्स में क्या मीनिंग है द मैनेजर इंप्लीमेंटेड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ टू फोस्टर अ कोलाबरेटिव वर्क इन्वायरमेंट एनकरेजिंग एम्प्लॉज टू शेयर आइडियाज़ एंड वर्क टुगेदर जो मैनेजमेंट है उसने क्या इंप्लीमेंट किया टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट की क्या करने के लिए टू फोस्टर बढ़ावा देने के लिए बनाने के लिए कोलाबरेटिव टीम वर्क इन्वायरमेंट यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर लोग काम कर पाए उसके लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट ने की Parents can foster love for reading in their children by regularly reading to them and providing access to a variety of books. अगर parents चाहते हैं कि उनके बच्चों का interest develop हो reading में तो उन्हें खुद उनके सामने बैठ के पढ़ना पड़ेगा और उनके लिए उनके लिए पढ़नी पड़ेंगी किताबें उससे और और उनको एक्सेस देना पड़ेगा वैरायटी ऑफ बुक्स का सो so दैट उनका इंटरेस्ट डेवलप हो फोस्टर हो बढ़ावा मिले ठीक है डिस्कस करते हैं सिनेम्स प्रमोट एनकरेज नर्चर नर्चर पालन पोषण करना एंटेनिम्स hinder रोकना डिस्करेज इम्पीड अगेन रोकना इंपीडमेंट रुकावट चलिए दैट्स इट बच्चों अब आपको क्या करना है आपको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर पे अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज एज एज ऑलवेज उसके बाद रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल और मैंशन कर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में सो दैट आई कैन चेक आई कैन गेज आई कैन असेस यूव परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली मैं विपिन मिलता हूँ आपसे नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ एंड दिस इज माई नंबर आई एम अवेलेबल इन व्हाट्सएप फ्लैट को लेकर या किसी अदर लॉ एग्जाम को लेकर कोई भी इशू हो कुछ भी कंसर्न कुछ भी शेयर करना चाहते हैं आई एम देव फॉर यू दैट्स एट टेक केयर बाय